गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 ऑफ चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, सीपी इज ₹300 एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन इज इक्वल टू 20%। एसपी आपको फाइंड आउट करना है, यू टू फाइंड द एसपी इन दिस क्वेश्चन। सीपी गिवन है, प्रॉफिट जो है गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है। ये नहीं है कि खाली देखो 20 प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹20 नहीं है, यहाँ पे ₹300 था, यहाँ पे ₹20 प्रॉफिट नहीं है, परसेंटेज में गिवन आपको प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% हुआ है, ₹20 का नहीं हुआ है। सो हमेशा बेटा प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों चीजें जो है हमारी जो होती है वो सीपी के ऊपर होती है। मीन्स जो प्रॉफिट हुआ किसके हुआ, सीपी पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। सो 20% ऑफ सीपी ये हमेशा लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, ये हमेशा आपका ऑलवेज इज ऑन सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है। सो 20% इसको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 20/100 हो जाएगा। ऑफ का मीनिंग होता है बेटा इनटू, एंड सीपी, सीपी कितना है आपका 300 गिवन है। नाउ 20 से 20 कैंसिल, नीचे आपके पास सिर्फ 1 बचा, डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो, इन न्यूमरेटर 20 × 3। सो 20 × 3 इज इक्वल टू ₹60, ये आपका प्रॉफिट आया बेटा, ये प्रॉफिट परसेंटेज था। नाउ यू गेट द प्रॉफिट, मीन्स 300 का सामान खरीदने पर ₹60 का प्रॉफिट हो गया। नाउ फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एसपी। एसपी पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। तो सीपी कितना था आपका 300 में 60 ऐड कर लेंगे, यू गेट ₹360। ले बेटा, वैसे इसमें जो है आपसे सीपी नहीं प्रॉफिट ही पूछा गया है, सो आपका आंसर यहां तक हो जाएगा। अगर सीपी पूछा जाता तो आप इसमें ऐड कर देते। क्लियर बेटा? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, सीपी इज ₹800, लॉस परसेंट, नॉट लॉस, लॉस परसेंटेज गिवन है 20%, एंड यू हैव टू फाइंड द लॉस। मीन्स कोई सामान 800 में खरीदा, उसको 20% का लॉस हो गया, परसेंटेज पूछा कितने रुपए का लॉस हुआ, रुपए पूछे आपसे। नाउ अभी सीपी प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किसपे होता है, लॉस हमेशा सीपी पे होता है। सो आपका लॉस कितना हुआ बेटा, 20% ऑफ सीपी, यहां पे 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 20/100 ऑफ की जगह इनटू, और सीपी आपका है 800, 20 से 20 कैंसिल, यहां बचा आपके पास 20 और यहां बचा 8, 20 × 8, 2 × 8 = 16, 0 पीछे लगा देंगे। मीन्स आपने कोई सामान 800 में खरीदा था, आपको लॉस परसेंट 20 है, लॉस जो है आपका ₹160 का लॉस हुआ है। क्लियर है? ये लॉस निकालना था आपको, दैट इज ₹160। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। आपको अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। मीन्स उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। हमारा लॉस कब होगा, जब सीपी लेस होगा, और प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी जो है हमारा ग्रेटर होगा। नाउ इन दिस केस सीपी गिवन है, फर्स्ट पार्ट में सीपी ₹600 का सामान है कोई खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है, और उसको आपने 630 में
सेल कर दिया है, सेलिंग प्राइस इज 630, 600 का खरीदा था, 630 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। सो फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर यहां पे ये 630 होता और यहां 600 होता तो आपको लॉस हो जाता बेटा। लॉस के केस में क्या करते? सीपी माइनस एसपी कर देते। प्रॉफिट में क्या करना है? एसपी माइनस सीपी उल्टा कर देना। मीन्स आपको ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, बस चेक करना है एसपी इज ग्रेटर और सीपी इज ग्रेटर। सो हेयर एसपी इज 630 रुपीज एंड सीपी इज 600 रुपीज। माइनस करेंगे यू गेट 30 रुपीज। 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, बट यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। रुपीज में फाइंड आउट नहीं करना है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपके पास, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है बेटा। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अगर लॉस परसेंट होता तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट आपको हुआ है 30 रुपीज का, सीपी सीपी जो है वो आपका 600 था, 600 इंटू 100। 20 से ये 20 कैंसिल होंगे, आपके पास यहां 6 बचा है, यहां 30 बचा है। 6 5 30, 6 1 6 मीन्स आपको जो है ओनली 5 बचा ऊपर, तो 5% का क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। दिस इज योर आंसर। नाउ सी दिस थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड। सीपी इज रुपीज 740 एंड एसपी इज रुपीज 629। अब यहां पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कंपेयर करो दोनों को बेटा, 629 एंड 740। सो सीपी इज ग्रेटर, मतलब आपने सामान जो है वो ज्यादा में लिया और बेचा किसमें? कम में, तो आपको लॉस हो गया। सो लॉस, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, दैट इज 740 माइनस 629। माइनस कर देंगे आप, हेयर 10 माइनस 9 1, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 6 1। मीन्स लॉस कितने का हुआ आपको? रुपीज 111। नाउ यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस, फॉर्मूला इज लॉस बाय सीपी इंटू 100। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें प्रॉफिट था, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यहां सीपी ही होना चाहिए। नाउ लॉस इज 111 एंड सीपी इज 740 इंटू एज इट इज 100 एज इट इज। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां 5 पे इसको करेंगे 2 की टेन से हटा बेटा, 2 5 जा एंड यहां इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे यू गेट 3 and 7, 37। सो 37 की टेबल में 103 पे देखे तो 7 3 15 sorry 3 7 21 और 3 3 9 10 11। मीन्स 37 के टेबल में 3 पे ये 1 पे यहां आ जाएगा और ये आपका कितना आ गया? 3 पे गया ना, 3 आ जाएगा। यहां कितना बचा? 3 into 5, 3 into 5 मीन्स 15। 3 into 5 इज इक्वल टू 15%। क्या आया? लॉस। क्लियर बेटा? इसको आप सोल्व करेंगे जब तक, मतलब सेम टेबल में आते हैं तब तक एक दूसरे को कट करेंगे। क्लियर? सी क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा। डेविड बोट अ कारपेट 4 rupees 8000 एंड इट 4 rupees 8400 एंड 8000 एंड सोल्ड इट।
डेविड ने बेटा एक कारपेट खरीदा 8,000 रुपीज का एंड सॉल्ट बेच दिया रुपीज 8,400 का. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. मिस 8,000 में परचेज किया था सीपी इन सॉल्यूशन सीपी ऑफ कारपेट इज इक्वल टू रुपीज 8,000. एसपी ऑफ कारपेट बेच दिया ना बेटा 8,400 का. सो प्रॉफिट हुआ इसको. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. दैट इज 8,400 माइनस 8,000. इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा आपको रुपीज 400 मिलेगा. मीन्स 400 रुपीज का उस कारपेट के ऊपर उसने क्या लिया डेविड ने प्रॉफिट लिया. सो यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इन 200. सो प्रॉफिट कितना है 400 रुपीज का. सीपी कितना था 8,000 इन 200. 20 से ये 20 कैंसिल हो गए. इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया. सिर्फ आपके पास क्या बचा 40 ऊपर और इन डिनोमिनेटर 8. तो 8 × 5 = 40. सो योर आंसर इज 5%. सो योर प्रॉफिट इज 5%. सो बेटा डू अप टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.2.